हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचाव सूप। वेज मंचाव सूप बनाने के लिए हमें चाहिए, ये हमने 3/4 कप कैबेज लिया है, 1/2 कप हमने कैरेट लिया है, 1/4 कप हमने बीन्स लिया है, ये हरी शिमला मिर्च है जो 1/4 कप हमने लिया है, और ये स्प्रिंग ऑनियन है जिसे हमने बारीक कट करके 1/4 कप लिया है। सभी सब्जियों को हमने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। ये सोया सॉस है, ये टोमेटो सॉस है, जिंजर है, गार्लिक है, जिंजर गार्लिक को भी हमने एकदम बारीक कट करके लिया है। ये एक हरी मिर्च है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये MSG है, अजीनोमोटो, विनेगर हमें लगेगा, रेड चिली सॉस लगेगा, ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर हमें नूडल्स तलने के लिए लगेगा, और बाद में सूप में हमें थिकन करने के लिए लगेगा सूप को। ये नूडल्स है जिसे हमने बॉईल करके लिया है, और पानी हमें सूप बनाने के लिए लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम वेज मंचाव सूप बना लेते हैं। ये नूडल्स में हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। तलने से पहले हमें उसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से डस्टिंग करना है, और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमने नूडल्स को कॉर्नफ्लावर से डस्ट किया है। अब हमने ऑयल गरम किया है अच्छे से। पहले हम एक नूडल्स डाल के चेक कर लेते हैं, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम बाकी के नूडल्स इसमें डालते हैं। ये नूडल्स हम फ्राई कर लेंगे। नूडल्स को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सभी नूडल्स फ्राई कर लिए हैं। ये दूसरे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम मंचाव सूप बनाते हैं, जिसके लिए हम पहले लेंगे गार्लिक। ये है जिंजर, और एक हरी मिर्च, इन्हें हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। इसमें मैं ये हरा प्याज डालती हूँ। गैस की फ्लेम बड़ी ही रखनी है। अब हम सब सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। ये कैरेट है, ये कैबेज है, शिमला मिर्च, ये सभी सब्जियां हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करके लेनी है। 1 मिनट के लिए सब्जियों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें ये पानी डालेंगे। आप वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हो अगर आपके पास है। ये मैंने 1 लीटर के अराउंड पानी डाला है। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4
टीस्पून एमएसजी है, एक टीस्पून मैंने नमक डाला है, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे, ये एक टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस लिया है, अराउंड टू टीस्पून हम टोमेटो सॉस डालेंगे, और ये टू टीस्पून हमने सोया सॉस डाला है। ये पिंच ऑफ शुगर हम इसमें डालेंगे, हमारा सूप अभी बॉइल्ड हो चुका है, गैस का फ्लेम हम कम कर लेते हैं और इसमें कॉर्न स्लरी डाल देते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला के उसका कॉर्न स्लरी बना लिया है, जो अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट के लिए हम सूप को बॉइल होने देंगे। यह हमारा सूप अभी अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है, हमने इसे पाँच मिनट के लिए बॉइल करके लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा विनीगर डालेंगे, ये मैंने एक टीस्पून विनीगर लिया है, इसमें और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। विनीगर को अच्छे से मिला लेती हूँ और सूप को सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारा वेज मंचाव सूप बन के तैयार हो चुका है, जिसे हमने फ्राइड नूडल्स और ग्रीन ऑनियंस के साथ गार्निश किया है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।